हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्कल के कुछ पार्ट्स बताए थे। आज कुछ और आगे के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। ये मैंने एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल में ए बी एक कॉर्ड बनाई है। कॉर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। किसी भी सर्कल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को टच कर रहा हो, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो अगर हम किसी भी सर्कल में कोई कॉर्ड बनाते हैं तो वो कॉर्ड उस सर्कल के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एरिया बन रहा है, मैंने ग्रीन कलर से इसको मार्क किया है। एक सेकेंड, ये ग्रीन कलर से इसको मैंने मार्क किया है। और एक एरिया ये बन रहा है, ये इसको मैंने पेंसिल से मार्क किया है। इस तरीके से पूरा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन पार्ट्स को सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल कहते हैं। अगर कॉर्ड बिल्कुल बीच में नहीं बनी हुई है, यानी कि अगर कॉर्ड डायमीटर नहीं है, तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। जो छोटा सेगमेंट होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा सेगमेंट होता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन कहा जाए तो ऐसे बोलेंगे, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट इनटू टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड सेगमेंट्स। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अगर हमको ये वाला जो माइनर सेगमेंट है इसका नाम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। कॉर्ड के एक पॉइंट से शुरू करिए ए, बीच में दूसरी कॉर्ड का दूसरा पॉइंट आने तक एक कोई भी पॉइंट आपको अपने मन से और लिख लेना है, ए पी बी, और वापस ए पर आना है। तो ए पी बी ए इसका माइनर सेगमेंट हो गया। इसी तरीके से मेजर सेगमेंट का नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, ए से शुरू करा, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया, एक ही काफी है, क्यू बी पर कॉर्ड के दूसरे पॉइंट पर गए और वापस ए पर आ गए। तो ए गलत लिखा है, ए क्यू, ए क्यू बी ए, ए क्यू बी ए मेजर सेगमेंट हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने सर्कल का एक टॉपिक सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया। दूसरी चीज आर्क ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल का मैंने आपको बताया था पेरीमीटर या बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इस सर्कमफेरेंस का छोटा सा कोई भी पार्ट आर्क ऑफ सर्कल कहलाता है। जैसे इस पूरी सर्कमफेरेंस पर मैंने दो पॉइंट्स बना दिए, एक पॉइंट ही और एक पॉइंट ही है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आर्क ऑफ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अब इस आर्क ऑफ सर्कल को लिखने का क्या तरीका होता है। आर्क ऑफ सर्कल जनरली तीन पॉइंट से लिखा जाता है। जैसे यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट और मान लिया, इसको हम ए सी बी लिख देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर एक कर्व लाइन बना दी जाती है। सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है इसके कारण से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ये छोटा पार्ट जिसको कि हम माइनर आर्क कह देते हैं, और जो बड़ा पार्ट जैसे कि इसको बोलेंगे हम ए डी बी, ये हो जाएगी आपकी मेजर आर्क। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सर्कल के दो एलिमेंट्स सेगमेंट और आर्क के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में सर्कल के और कुछ सेगमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। टिल देन बाय।